कमियों की बात करते हैं तो गाइज थोड़ा सा हीटिंग, गाइज अगर आपका 20,000 से प्लस बजट है तो आपको जाना है DJI, एंड इस प्राइस के हिसाब से आपको इतना अच्छा क्वालिटी और इतना अच्छा ब्रांड DJI, गाइज तो हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा था, तो उसके बाद इसको अपडेट के जरिए भी सुधारा गया है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड क्या हालचाल सभी के, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो गए। आ गए हम लोग और एक नए वीडियो के साथ, एंड इस वीडियो में होने वाला है, जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा आप लोगों को, कि हम लोग फाइनली रिव्यू करने वाले हैं DJI Action 2 का, जो कि बेस्ट कैमरा है अंडर 20,000 इन द मार्केट नाउ टाइम इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में बेस्ट कैमरा होने वाला है अभी ये। एंड इसको मैंने 3 मंथ यूज कर लिया है, तो उसके बाद ही रिव्यू करने वाला हूँ, तो कोई चीज़ हवा में बात नहीं करने वाला हूँ। सारे प्रैक्टिकल फीचर्स मैंने यूज कर लिए, एंड 3 मंथ मैंने बोला था कि थोड़े मैं यूज करके ही बताऊंगा, वैसे थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, तो शेड्यूल थोड़ा टाइट था यार, बहुत सारी वीडियो डालनी थी और बहुत सारी मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ टाइम पे। तो गाइज पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड वीडियो पूरा देखना, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप DJI Action 2 ले लिया है आपने, तब भी आपको कुछ इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, अगर आप लेने वाले हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं, देख सकते हो, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सपोर्टेड प्रोडक्ट, एंड उसके बाद हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग डिवाइस इन्फो एंड बैटरी एंड माइक एंड स्टेबलाइजेशन इसके, एंड इसके हीटिंग इशू एंड कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड गाइज सबसे पहले आ जाते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो गाइज सबसे पहला इसका फीचर जो मुझे लगा सबसे अच्छा है, जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है, तो गाइज इसका फील्ड ऑफ व्यू बिना कोई लेंस लगाए हुए 155 डिग्री आपको मिलता है अगर आप अल्ट्रा वाइड पे इसको कर देते हो। तो गाइज फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत ही ज़्यादा है, GoPro से ज़्यादा होने वाला है। GoPro में जब आप मैक्स लेंस लगाते हो तब इतना फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। एंड फिर गाइज दूसरे फीचर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो गाइज इसका जो वाटरप्रूफिंग है, तो आपको कोई केस का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, और सिंपली आपको कैमरा मॉड्यूल निकाल लेना है, तो ये गाइज 10 मीटर अप टू 10 मीटर तक अंडर वाटर ये वाटरप्रूफ है, एंड अगर आपको दोनों के साथ बैटरी मॉड्यूल के साथ भी वाटरप्रूफ इसको बनाना है तो उसके लिए आपको केस लेना पड़ेगा, एंड केस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद अगले फीचर के इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो गाइज इसका मैग्नेटिक डिजाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पूरा मैग्नेटिक डिजाइन है, इसका कैमरा मॉड्यूल के साथ भी ये मैग्नेटिक है, एंड सिंपली आप इसका जो मेन मॉड्यूल है, कैमरा मॉड्यूल है, एंड इसका जो कैमरा मॉड्यूल है अगर आप निकाल लेते हो तो इसको आप सिंपली कहीं पे भी मैग्नेट कहीं पे भी मेटल पे आप स्टिक कर सकते हो, क्योंकि ये नीचे मेटल लगा हुआ है, तो DJI के कैमरास के मुझे सबसे अच्छे यही फीचर लगे, क्योंकि आप इसको सिंपली कहीं सिंपली प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, जैसे कि मुझे रिकॉर्डिंग करना है और मैंने यहाँ पे प्लग किया, जैसे कि मुझे मोटो व्लॉग करना है तो मेरा मोटो व्लॉग स्टार्ट हो गया, या आप कार में हैं, या आप बाइक के साथ मोटो व्लॉग करते हैं, आप कार के साथ ब्लॉक करते हैं, तो आप किसी भी जगह इसको मैग्नेट के जरिए स्टिक कर सकते हैं, और जब स्टेबल अच्छे रास्ते हों तो उस पर आराम से कहीं भी स्टिक करके डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल से आप शॉट्स ले सकते हो। एंड इसके बाद इसके अगले फीचर और एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो गाइज इसका अगला सबसे बड़ा फीचर मुझे ये लगा कि गाइज इसका जो स्टोरेज है, इसमें इंटरनल स्टोरेज 32 GB मिलता है, जिसको कि इसका सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर लेता है 10 GB, और उसके बाद आपको जो यूजेबल स्टोरेज मिलता है 22 GB स्टोरेज मिलता है, और आज तक मैंने इसमें मेमोरी कार्ड नहीं यूज किया, और वैसे ये एक्सटर्नल स्टोरेज 256 GB का सपोर्ट करता है, और सपोर्टेड कार्ड के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और गाइज तो मैंने आज तक इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं लगाया, और इसके इंटरनल स्टोरेज से भी ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। एंड इसके बाद अगले फीचर के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, इसका प्राइस, गाइज इसका प्राइस 16,000 अभी भी है इंडिया में, एंड इस प्राइस के हिसाब से आपको इतना अच्छा क्वालिटी और इतना अच्छा ब्रांड DJI गाइज, एंड जो नहीं जानता गाइज GoPro एंड DJI, आप जानते हो DJI वर्ल्ड के बेस्ट कैमरा ड्रोन्स बनाता है, तो
तो DJI के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं एंड इनकी सर्विस भी अच्छी होती है एंड प्रोडक्ट एंड सारे चीज़ अपडेट आपको भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो प्राइस फैक्टर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, 16,000 पे आप पूरे इंडिया में, इंडिया के मार्केट में अभी कोई भी इतना चीप एंड इतना बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं देने वाला है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी ओवरऑल से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी है इस कैमरे की। एंड इसके बाद हम लोग गाइज बात करेंगे, मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है एंड इसका क्विक रिव्यू भी कर रखा है, तो उसका वीडियो इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा ना, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद इसका माइक का टेस्टिंग का भी वीडियो मैंने डाल रखा है एंड हेलमेट पे सेटअप का वीडियो भी डाल रखा है, तो आप सारे चेकआउट कर सकते हो। फीचर्स मैंने जो अच्छे मुझे फीचर्स लगे वो मैंने आपको बता दिए। एंड अब बात करते हैं इसके दो कमियां के बारे में। तो इसकी दो कमियां लोग पूछते हैं, जिसको काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इसमें हीटिंग इशू है एंड बैटरी ड्रेन इशू है। हीटिंग इशू यस इसमें है, लेकिन तब है अगर आप मोटो व्लॉगर हो तो आपको हीटिंग इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हीटिंग इशू तब होने वाली है जब आप इसको हाई सेटिंग्स पे यूज करो एंड एक जगह पे रख के आप कंटिन्यूस रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लगभग 40 मिनट के बाद ही ये ओवरहीट होने वाला है। ये मेरा बात ध्यान रखना, 40 मिनट के बाद ही एक जगह पे अगर आप रख के इसको यूज करते हो तभी उसके बाद ये हीटिंग होने वाला है, उसके पहले आपको हीटिंग इशू नहीं होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अब हीटिंग इशू बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर आप इसको हाथ में भी लेके चलते हो एंड रिकॉर्ड करते हो तो इतना हीट नहीं होता। एंड काफ़ी गर्मियों में मैंने इसे यूज करके देख लिया है, तो हीटिंग इशू बहुत बड़ा नहीं है। हाँ थोड़ा हीट ज़्यादा होता है, तो सारे ही GoPros भी कर रहे हैं हीट जो अभी लेटेस्ट से नीचे वाले हैं। तो उसके बाद गाइज अब आ जाते हैं हम लोग इस दूसरे प्रॉब्लम पे कि इसमें बैटरी ड्रेन होता है। तो हाँ गाइज बैटरी थोड़ा ड्रेन होता है, थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन एक वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे, मैं इतने दिन तक यूज़ करने के बाद कुछ सेटिंग मुझे मिला है जिससे कि मैं थोड़ा बैटरी और चल रहा है मेरा बैटरी, तो एक सेटिंग का एंड सारे जो फीचर्स के सेटिंग्स के एक वीडियो आने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और तो वीडियो आएगी उसका एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड वैसे बैटरी का बात करता हूं तो मैं इससे 4K 30 FPS पे गाइज लगभग मैं इससे 34 मिनट तक आज तक मैक्स रिकॉर्ड किया हूं, उससे उसके बाद का मेरा स्टोरेज भर गया तो गाइज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड इसके बाद बात करें मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ 2.7K 30 FPS पे, तो उस पर आपको आराम से 1 आवर का मिल जाने वाला है आपको बैटरी। तो ये था बैटरी का कुछ आपका, तो बैटरी थोड़ा ड्रेन होती है लेकिन गाइज कोई बहुत इशू नहीं है। इसको देखें तो गाइज बैटरी ड्रेन GoPro Hero 10 में भी है, 9 में भी है, सारे में है अभी, तो थोड़ा बैटरी ड्रेन होता ही है। लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेशन पे, तो गाइज स्टेबलाइजेशन इसका बेस्ट है, बेस्ट इन सेगमेंट है एंड समझ लो जितना GoPro का होने वाला है वैसा ही आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाला है, उससे कम तो नहीं होने वाला है, उससे अच्छा शायद हो सकता है। तो स्टेबलाइजेशन का ये क्लियर मैंने कर दिया। इस क्वालिटी पे आते हैं, वीडियो क्वालिटी क्या है, तो गाइज पुरानी मेरी वीडियोस आप लोग देख सकते हो जाके, जो कैमरा के अनबॉक्सिंग के बाद वीडियोस आई हैं तो सारी वीडियोस हैं, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो एंड क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं होने वाली है। जो GoPro का क्वालिटी है वही क्वालिटी आपको इस पर मिलने वाली है, तो क्वालिटी भी कोई कमी नहीं है क्वालिटी में। एंड इसके बाद बात करते हैं गाइज आप कैसे इसका फ्री कवर अवेल कर सकते हो, तो गाइज कैसे आप इसका फ्री कवर पा सकते हो। तो गाइज मैंने भी जब कैमरा मंगाया था तो मुझे फ्री कवर नहीं मिला था, तो मैंने सिलिकॉन का कवर ही मंगा लिया था, तो आप इसको मंगा लेना जब तक आपके पास कवर नहीं है। और उसके बाद गाइज ऐसे फ्री कवर मंगा सकते हो, तो गाइज फ्री कवर पाने के लिए आपको जब आपने कैमरा मंगाया होगा तो आपके यहाँ पे एक टैग लगा होगा सेलर का, सेलर के शॉप का, तो उस पर कुछ व्हाट्सअप नंबर दिए होंगे और कुछ ईमेल आईडीज दिए होंगे, तो आप या तो मेल कर देना या तो व्हाट्सअप नंबर पर उनको व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप मैसेज करना है कि मैंने ये कैमरा मंगाया है और मुझे फ्री केस नहीं मिला है DJI का मैग्नेटिक केस। तो गाइज आप लोग को अगर वो रिप्लाई करते हैं, वो एक दो दिन बाद लेट रिप्लाई करते हैं, तो अगर आप लोग को रिप्लाई मिल जाता है तो समझ लो आपका काम हो गया, तो वो लोग रिप्लाई करेंगे और आपसे बिल मांगेंगे एंड आपका एड्रेस मांगेंगे, तो वो लोग शिप कर देंगे आपके एड्रेस पे। तो ये था फंडा। एंड बात करते हैं कि क्या ये कवर लगाने के बाद हीटिंग इशू कम होता है एंड बैटरी ड्रेन इशू कम होता है, तो यस गाइज इसको लगाने के बाद थोड़ा हीटिंग कम होता है क्योंकि ये मैग्नेट है एंड कुछ इन्होंने कवर इसीलिए लॉन्च ही किया था, क्योंकि इसमें जब ये लॉन्च हुआ था हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा था, तो उसके बाद इसको अपडेट के जरिए भी सुधारा गया है।
एंड इस कवर को लगाने के बाद आपका बैटरी थोड़ा बढ़ने वाला है एंड हीटिंग इशू भी थोड़ा कम होने वाला है। अब गाइस कंक्लूजन का बात करते हैं कि किसको ये कैमरा लेना चाहिए एंड किसको ये कैमरा नहीं लेना चाहिए। तो गाइस अगर आपका 20,000 से प्लस बजट है तो आपको जाना है DJI Action 3 के साथ। तो गाइस DJI Action 3 के साथ जाना है आपको। एंड अगर आपका बजट 20,000 के नीचे है, अंडर 20,000 है, या आप 10,000 है या 15,000, जो भी है 20,000 के नीचे है, अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो आप कोई भी कैमरा फालतू मत लेना। आप बजट अपना थोड़े दिन वेट कर लो एंड पैसे इकट्ठा कर लो एंड आप DJI Action 2 ही लेना। एंड अभी भी ये 16,000 इसका प्राइस है। तो गाइज अगर 20,000 प्लस है आपका बजट तो आपको ले लेना है DJI Action 3 या जो भी GoPro Hero 11 या उससे बेस्ट जो भी है 12 है तो आप ले सकते हो। एंड अगर उससे नीचे है तो आप ये ले सकते हो। एंड एक्सटर्नल माइक की बात कर लेते हैं तो गाइज एक्सटर्नल माइक देख सकते हो, इसमें ये माइक सपोर्ट करता है एक्सट्रीम एकॉस्टिक्स का टाइप सी माइक है। तो ये गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियो बनाने के बाद कैमरे भाई काफ़ी ज़्यादा सेल हो गया है एंड ये माइक भी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो अगर स्टॉक में होगा तो मेरे लिंक से आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो या आप खुद से सर्च कर लेना। और अगर ये नहीं मिलता माइक तो आपको एक AKG का टाइप सी ईयरफोन आता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप यूज कर सकते हो इसके माइक के तौर पर। उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड अगर आपके पास कोई 3.5 mm का अच्छा माइक है उसको आप यूज करना चाहते हो क्योंकि इसमें टाइप सी जैक है, तो गाइस आपको सैमसंग का अडॉप्टर लेना पड़ेगा या तो आप लोकल मार्केट से जा सकते हो। तो कई अडॉप्टर इसमें नहीं काम करते हो, आप डायरेक्ट लगा के चेक करना, जो काम करेगा वहाँ पे ले लेना, या तो आपको प्रॉब्लम फ्री होना है तो आप सैमसंग का टाइप सी वाला डोंगल ले लेना, टाइप सी टू 3.5 mm, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस ये थी वीडियो एंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो कैमरे में अब गाइस कमियों की बात करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा हीटिंग इशू इसका जो है एंड जो इसका थोड़ा सा बैटरी ड्रेन इशू है वो मुझे लगा, लेकिन अगर प्राइस फैक्टर को इस पे रख दिया जाए कि 16K में आपको ये कैमरा मिल रहा है तो गाइस कोई भी कमियां नहीं है, उस हिसाब से बेस्ट कैमरा है, कोई कमी इसमें नहीं है अगर प्राइस फैक्टर को देख लिया जाए। क्योंकि यार 16,000 में आपको इतने बड़े ब्रांड का मिल रहा है एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है ये, आप DJI जानते ही होंगे। तो गाइस ये थी वीडियो, आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग रिलेटेड एंड मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड गियर से वीडियो बनाऊंगा एंड बाइक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता ही हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो गाइज ये थी एक वीडियो एंड अगर कुछ छूट रहा हो तो आप जानते हो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ फ्रीली, आप कमेंट करना मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं सबका जवाब देता हूँ। एंड गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। एंड चलो गाइज एंड सेटिंग्स की मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिससे कि आप इससे ज़्यादा बैटरी पा सकते हैं एंड अच्छी क्वालिटी पा सकते हैं, तो वो वीडियो आने वाली है। तो चैनल से आप बेल आइकन दबा देना चैनल का। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।